हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करेंगे जो स्पोर्ट्स खेलते वक्त भी होती है और नॉर्मल कंडीशन में भी आपके नॉर्मल चलने फिरने में भी ये इंजरी हो जाती है। आपने सुना होगा कि घुटने की गद्दी फट गई है या मेनिस्कस के अंदर इंजरी हो गई है। थोड़ा सा इस मेनिस्कस को समझते हैं, तभी इसकी इंजरी और उसके अंदर सर्जरी की जरूरत होती है या नहीं होती है, कब करानी चाहिए कब नहीं करानी चाहिए, वो बात समझ में आती है। तो मेनिस्कस एक तरीके की गद्दी होती है जो हमारे घुटने में दो हड्डियां होती हैं, ऊपर की तरफ फीमर बोन और नीचे की तरफ टिबिया बोन। उन दोनों हड्डियों के बीच में ये एक कार्टिलेज की बनी हुई गद्दी होती है। ये जो गद्दी होती है एक घुटने के अंदर की तरफ होती है, जिसको हम मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं। जो अंदर है उसे मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, जो गद्दी बाहर की तरफ होती है उसको हम लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। मीडियल मेनिस्कस घुटने के अंदर जो एरिया होता है उसको लगभग 50% ये कवर करके रखती है और सी शेप की होती है, जैसे सी होता है इंग्लिश लेटर, उस शेप में बनी हुई होती है। जो दूसरी वाली बाहर की गद्दी होती है लैटरल मेनिस्कस, वो थोड़ी सी ज्यादा सर्कल जैसी फॉर्म में होती है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो मीडियल मेनिस्कस है या ये दोनों मेनिस्कस हैं, इनके बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। खास तौर से अगर हम मीडियल मेनिस्कस यानी अंदर वाली गद्दी के बारे में बात करें, तो ये जो है बोन को आगे पीछे जाने से रोकने का काम भी करती है। दोनों मेनिस्कस आगे जाके एक लिगामेंट से जुड़ती हैं, वो लिगामेंट इन दोनों मेनिस्कस या दोनों गद्दियों को आपस में जोड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इंटर मेनिस्कल लिगामेंट। तो ये भी इनको स्टेबिलिटी प्रदान करता है ये लिगामेंट। उसके अलावा दोनों के दोनों मेनिस्कल जो होते हैं ये टाइप 1 कोलेजन के बने होते हैं, जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये उस कोलेजन के, क्योंकि तो अलग अलग टाइप के कोलेजन होते हैं, तो ये टाइप 1 कोलेजन की बनी हुई होती है। काम क्या होता है इसका? इसका प्राइमरी काम होता है आपको शॉक एब्जॉर्प्शन देने का। जैसे कार में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, ये हमारे नी के अंदर लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर है। जब हम चलते फिरते हैं, जो गड्ढे और जो ऊपर नीचे की चीजें होती हैं, ऊंची ऊंची सड़कें होती हैं, वहां पे ये स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। तो शॉक एब्जॉर्प्शन भी है और स्टेबिलिटी भी है, यानी कि घुटना भी आगे पीछे तेजी से नहीं भागेगा अगर ये मेनिस्कस पूरी तरीके से बनी हुई है। उसके अलावा जो हम खड़े होते हैं, तो खड़े होने पे जो लोड शेयरिंग होती है, किस प्रकार से हमारा लोड पड़ रहा है, ये गद्दी होने की वजह से वो लोड शेयरिंग में भी आराम मिलता है। सोचें कि अगर ये गद्दी नहीं होगी तो बोन का लोड डायरेक्ट बोन के ऊपर पड़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी गठिया की कंडीशन जो एज बढ़ने के साथ होती है, वहां पे इस स्ट्रक्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आगे और समझते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसका काम होता है जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो दोनों बोन का कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसको कम करना। क्योंकि गद्दी बीच में आ जाएगी तो दोनों हड्डियों का कॉन्टेक्ट सरफेस कम हो जाएगा। किसी वजह से अगर ये मेनिस्कस या गद्दी को निकाल दिया जाता है तो बोन से बोन रगड़ खाएगी और जो उसके ऊपर की कार्टिलेज होती है वो जल्दी खिंच जाएगी, जिससे कि आर्थराइटिस बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो ये गद्दी थी, तो गद्दी के होने की वजह से बोन नहीं टकरा रही थी, कॉन्टेक्ट स्ट्रेस कम था। पर जैसे ही ये हटेगी तो बोन से बोन रगड़ खाएगी और बहुत तेजी के साथ जो बची हुई गद्दी होगी वो भी लॉस हो जाएगी और जो कार्टिलेज होगी वो भी चली जाएगी। तो इस प्रकार अगर ये गद्दी टूटी हुई है तो बहुत खराब है, क्योंकि ये जो अर्थराइटिस 60 70 80 90 की एज में आनी होती है, अगर ये यंग एज में हटी हुई है तो ये बहुत जल्दी ला सकती है। उसके अलावा जो मेनिस्कस होती है, ये हमारे घुटने के जो मूवमेंट होते हैं, सीधा घुटना इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, मोड़ने को हम फ्लेक्शन बोलते हैं, उसको भी रेगुलेट करती है। और जब हमारा घुटना 90 डिग्री मुड़ जाता है, तब तक तो ये ठीक है, बट 90 से ज्यादा सिर्फ मेनिस्कस के पिछले हिस्से पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसीलिए जो पीछे वाला हिस्सा ही ज्यादा टूटता भी है कॉमनली, जब चोट लगती है तो 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ने पर उस हिस्से पर ज्यादा जोर पड़ेगा, तो पेन भी ज्यादा होगा। अब इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी रीजन जो है वो इसमें खून का जो दौरा होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि कार्टिलेज जो है उसमें इस गद्दी का बाहरी एक तिहाई हिस्सा जो होता है, वहां पे तो खून की सप्लाई है। मीडियल और लैटरल जेनिकुलर आर्टरी नाम से दो आर्टरी होती है खून पहुंचाने वाली, तो
वो बाहर के हिस्से तक तो खून पहुंचा देती है, पर जैसे जैसे हम बाहरी एक तिहाई हिस्से से अंदर आने लगते हैं वहां खून का दौरा पहुंचता नहीं। अगर खून का दौरा नहीं पहुंचेगा तो ये अगर टूट गई है तो उसकी रिपेयर नहीं हो सकती, मतलब टूट गई है तो चिपक नहीं सकती। लोग पूछते हैं कि ये अपने आप से नहीं जुड़ जाएगी, तो अगर ये अंदर के हिस्से में है तो ये नहीं जुड़ेगी, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर ये बाहरी एक तिहाई हिस्सा जहां खून का दौरा होता है तो वहां पे हम रिपेयर करते हैं इसको, सूचर्स होते हैं अंदर से, दूरबीन से जाके भी इसको रिपेयर करते हैं, कई प्रकार से इसको रिपेयर कर सकते हैं, पर ये अंदर की तरफ होती है तो रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको निकालना पड़ता है। ये जो मेनिस्कस होती है, अगर इसको हम एमआरआई में देखते हैं क्रॉस सेक्शन में, तो ये ट्रायंगल शेप की दिखती है। जो हमने बात की थी गद्दी, तो अगर ये सी शेप हुई तो एक आगे का हिस्सा है और एक पीछे का हिस्सा है। पीछे के हिस्से के अंदर ज्यादातर टीयर होते हैं। वहां एक और परेशानी आती है कि वहां पे स्पेशल रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर्स आपको चलते फिरते ऊंच नीच का एहसास दिलाते हैं, आपके जोड़ के साथ आपका ब्रेन का कनेक्शन का एहसास दिलाते हैं, तो आपकी चाल स्मूथ उनकी वजह से होती है। अगर ये पीछे का रिसेप्टर या पीछे की गद्दी टूटी हुई है और वहां इंजरी है या वो निकाल दी गई है, तो ये मैकेनो रिसेप्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिक्कत होती है उससे चलने फिरने में, एहसास नहीं हो पाता कि आप कैसे चल रहे हैं सही तरीके से। ज्यादातर केसेस में चोट लगने पे ही ये मेनिस्कस टूटती है, और जब चोट लगती है तो थोड़ी ब्लीडिंग होती है, बट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, तो बहुत धीरे धीरे पैर के अंदर घुटने के अंदर सूजन दिखनी शुरू होती है। एक और स्ट्रक्चर होती है ACL और PCL, वो टूटते हैं, वो लिगामेंट अगर टूटते हैं तो उनकी ब्लीडिंग बहुत तेजी के साथ होती है और ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो वहां हमें देखना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर मेनिस्कस यानी गद्दी टूटी है या लिगामेंट टूटा है। ACL टूटता है तो ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत तेजी के साथ होती है, घुटने में जल्दी सूजन दिखने लगती है। अगर ये गद्दी टूटती है तो ब्लीडिंग थोड़ा सा स्लो करके होती है। एग्जामिन करके पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो दोनों बोन है, ये ऊपर की बोन माने फीमर, ये नीचे की टिबिया, तो ये जो बीच का जो हिस्सा है जॉइंट लाइन, तो हम उसको बाहर से प्रेशर देके पैल्पेट करके छू के देखते हैं। अगर वो छूने में दर्द कर रही है, यानी कि जॉइंट लाइन दर्द कर रही है, टेंडरनेस है, तो बहुत शक होता है कि ये मेनिस्कस अंदर से टूटी होगी, जो इंजरी हुई है उसके अंदर। ज्यादातर केसेस में ट्विस्टिंग में ये ज्यादा टूटती है और जंपिंग में भी टूटती है। बहुत से लोग जो जंपिंग में, जैसे डांसिंग या एक्सरसाइज ऐसी जिसमें थोड़ा सा जंप करना होता है, जुम्बा हुआ, तो वहां पे इस मेनिस्कस पे जोर ज्यादा पड़ता है, उससे बॉन पे पड़ता है, तो उन कंडीशंस में ये किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने ट्विस्टिंग इंजरी देखी है घुटने के अंदर या जंपिंग है, तो ये टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसमें हम जब क्लिनिकली जॉइंट लाइन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा शक गहरा हो जाता है, तब हम MRI के लिए एडवाइस करते हैं। उससे पहले कुछ दिन मेडिसिन ट्राई करते हैं, ब्रेस लगा के देते हैं। तो अगर हमारा शक गहरा होता है, जॉइंट लाइन पे टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, तो MRI कराते हैं। MRI की अलग अलग ग्रेड होती है, 1, 2, 3, 4। तो अगर ये यंग पेशेंट है और ग्रेड 3 या 4 की इंजरी है, तो सर्जरी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अगर वो सर्जरी हमें करनी है, अगर वो टीयर बाहर की तरफ जहां खून का दौरा है, तो हम जाएंगे वहां रिपेयर करने के लिए, जोड़ने के लिए। पर अगर इनर 1/3 एरिया में है या इनर 2/3 एरिया में वो कट लगा हुआ है मेनिस्कस या इस गद्दी के अंदर, तो उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे मैकेनिकल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं। जैसे कई बार घुटना लॉक हो जाता है, मोड़ते सीधा करते हुए लॉक हो जाता है एक पोजीशन में, कैच हो जाती है मेनिस्कस उसके अंदर, जो हमने बताया था शुरू में कि ये स्टेबिलिटी का काम करती है कि बॉन को आगे पीछे नहीं जाने देती है, वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो करना पड़ता है। या बार बार घुटने में सूजन अगर आती रहती है, दवाई खाया ठीक हो गया, फिर स्वेलिंग आ गई, दवाई खाया फिर स्वेलिंग आ गई, तो ये इंडिकेशंस होते हैं यंग पेशेंट में स्पेशली, हमें सर्जरी के लिए उन्हें बताना चाहिए। दो ऑप्शन है, या तो खून वाले दौरे में हो रही है टीयर, तो वहां जोड़ेंगे, अगर उसके दूसरे दौरे में हो रही है जहां पे खून का दौरा नहीं है, तो
तो वहां पे उसको निकालेंगे। पर्पस होता है कि हमें स्टेबल रिम देना है, कि वो जो हिस्सा बार बार परेशानी क्रिएट कर रहा है उसको हटा के एक स्टेबल रिम देना है, ताकि कम से कम बॉन्स के मुड़ने से प्रेशर उनके ऊपर पड़े, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस कम से कम हो। ओल्डर लोगों में ज्यादातर सर्जरी के लिए मना किया जाता है, कोई सी भी ग्रेड हो, अनटिल अनलेस अगर उनको मैकेनिकल सिम्टम बहुत तेजी से आ रहे हो। ओल्डर पर्सन के अंदर अगर बार बार लॉकिंग हो रही है, जॉइंट फंस जाते हैं मुड़ पोड़ने में, सीधा करने में, तो सर्जरी का ही ऑप्शन आता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता है कि आप ठीक कर सके। बार बार कैचिंग हो रही है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, घुटना बहुत ज्यादा आगे पीछे जा रहा है, तब हम केवल ऑप्शन देते हैं, अदरवाइज ब्रेसेस और मेडिसिन, नी ब्रेस और मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करते हैं। जो अंदर वाली गति होती है मीडियल मेनिस्कस, वो 1/3 टाइम ज्यादा कॉमन होती है। उसका रीजन है कि वो ज्यादा फिक्स्ड है, रिजिड है, मूव नहीं करती है। जब हम चलते हैं तो वो आसपास की चीजों से बंधी हुई है, मूव नहीं करती है। जो बाहर वाली गद्दी है लैटरल मेनिस्कस, वो बहुत मोबाइल है, तो जब चलते हैं तो उसकी मोबिलिटी की वजह से इंजरी कम हो पाती है। उसके अलावा कई सारी एसोसिएटेड चीजें भी होती हैं जो इंजरीज के साथ होती हैं, जैसे अगर ACL लिगामेंट टूटता है तो हम ज्यादातर देखते हैं कि लैटरल मेनिस्कस टूटी हुई मिलती है, या अगर ACL की इंजरी पुरानी और हमने सर्जरी नहीं कराई तो हम देखते हैं कि मीडियल मेनिस्कस की इंजरी ज्यादा कॉमन मिलती है। MRI से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जिनसे हम सर्जरी तक पहुंचने से पहले काफी हद तक समझ जाते हैं कि हमें करना है, और क्लिनिकल या पेशेंट को हम चेक करते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, जॉइंट लाइन चूके देखते हैं, तो उससे और पुख्ता विश्वास हो जाता है दोनों चीजों को मिला के कि सर्जरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हर केस में सर्जरी नहीं की जाती है, अगर ग्रेड 1 और 2 की मेनिस्कस टियर है, सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना ज्यादा अच्छा होता है। बट अल्टीमेटली पेशेंट के आउटकम के लिए उनके सिम्टम के साथ मैच करके उनको प्रोस एंड कॉन्स बता के तभी हम सर्जरी के लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।